My name is Dr. Prakar, Department of Microbiology. I am discussing the animal disease. What is the disease? Disease, when a person feel uncomfortable. जब कोई पर्सन अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करता है, दैट नो एल्सो डिजीज, तब हम उसको एक डिजीज कह सकते हैं. या जब प्रोड्यूस हैव ए वास्टेड इंटरेस्ट टू कीप देयर एनिमल्स हेल्थी, एक हेल्थी एनिमल्स के कोई भी अनकंफर्टेबली फील कर रहा है तो हम उसको एक डिजीज कह सकते हैं. जितनी भी डिजीज होती है, ये कुछ इसमें माइक्रोबियल होती है, कुछ फिजियोकेमिकल डिजीज होती है, और अधिकतर जो माइक्रोबियल डिजीज होती है उनको हम चार पार्ट में क्लासिफाई करते हैं. बैक्टीरियल डिजीज, फंगल डिजीज, वायरल डिजीज, प्रोटोजोन्स डिजीज, और इन सभी का अलग अलग एक कॉजेटिव एजेंट हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, आजकल COVID-19 चल रहा है, दैट इज ए वायरल डिजीज. जो एक RNA कंटेनिंग वायरस है, ये भी एक माइक्रोबियल डिजीज है जो पर्टिकुलर एनिमल बीइंग को या ह्यूमन बीइंग को कर रहा है. द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. नाउ व्हाट इज डिजीज? डिजीज को मैंने बताया, जब कोई भी एनिमल बीइंग अनकंफर्टेबल फील करता है, दैट इज डिजीज. अब एक हेल्दी एनिमल्स की तरह ग्रो फास्टर एंड प्रोड्यूस मोर प्रॉफिट फॉर देयर ओनर. जब एक पर्टिकुलर एक हेल्दी बीइंग हम किसे कहेंगे? हेल्दी बीइंग वो पर्सन होगा जो जिसके अंदर जिसके सारा मेटाबॉलिक प्रोसेस बड़ी तेजी से स्टार्ट हो रहा है, वो सारा का सारा मेटाबॉलिक प्रोसेस अपना करता रहता है और अपनी ग्रोथ की तेजी से कर रहा है. उसका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है, उसकी ग्रोथ ठीक हो रही है, दैट इज द हेल्थ थिंग. सम डिजीज आर माइट अदर में बी सियोर काउ रैपिडस. कुछ डिजीज ऐसी भी होती है जिनके कारण डेथ भी हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल, हम HIV हो गया या कैंसर हो गया या कोविड 19 की वजह से भी कुछ पर्सन्स की डेथ हो रही है, तो ये सब माइक्रोब के कारण है. अब सिक एनिमल्स की तरह है, यूजुअली डिस्प्ले आउटवर्ड साइन ऑफ इलनेस. जब हम पर्टिकुलर किसी भी एनिमल्स बीइंग को या ह्यूमन बीइंग को देखते हैं, कुछ आता सिक जो बीमार होता है, तो उसके अंदर उसके जो फिजिकल स्ट्रक्चर है उसके अंदर कुछ चेंज आ जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को फीवर है तो टेम्परेचर जो भी इंक्रीज, अगर किसी को कोड है तो उसको सीनीजी आ रही है, या किसी को टाइफाइड फीवर हो गया तो उसकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, या किसी को मलेरियल फीवर हो गया तो उसकी बॉडी का टेम्परेचर रुककर बढ़ रहा है. तो यही उसके सिम्टम और साइन होते हैं पर्टिकुलर बीमारी. एक पर्टिकुलर जो बीमारी होती है, पर्टिकुलर जो डिजीज होती है, उसका एक पर्टिकुलर सिम्टम और साइन होता है. एनिमल में भी ड्रॉपसी, ड्रॉपिंग, गो ऑफ फीड एंड वाटर, कुछ जब भी कोई बीमारी के कोई लक्षण होते हैं, सिक के लक्षण होते हैं, इलनेस के लक्षण होते हैं, तो नो ड्रोपी हो गई, उसने खाना पीना छोड़ दिया, वाटर पीना एंड रेस्ट लेट डल हेयर कोट, और उसके जो हेयर कोट होते हैं बॉडी के ऊपर, आपने देखा होगा कभी कभी जब आपको ठंड लगती है, फीवर होता है, तो आपकी बॉडी के ऊपर जो हेयर कोट है, देखिएगा वो खड़े हो जाते हैं, वो अप स्ट्रीम हो जाते हैं, उससे पता चलता है कि आप कुछ ना कोई अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं. अब हम बात करते हैं इंफेक्शन डिजीज. इंफेक्शन डिजीज होती है जो पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, इंफेक्शन का मतलब है जो एक पर्सन से या एक एनिमल से दूसरे एनिमल को इन्फेक्ट कर दे, दैट कॉज इज नोन एज इंफेक्शन, जिसको हम लगने की बीमारी कहते हैं. जैसे COVID-19 इज आल्सो ए इंफेक्शन डिजीज कॉज्ड बाय द माइक्रो दैट इन्वेड द एनिमल्स बॉडी. यूजुअली कंटेजियस डिजीज दैट एनिमल कैन पास टू द अनदर एनिमल. एक कंटेजियस वो डिजीज होती है जो एक एनिमल से दूसरे एनिमल में भी फैल सकती है, दैट आल्सो नोन एज द कॉन्टेजियस डिजीज. अब जितनी भी ये डिजीज होती है, इनका पॉजिटिव बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, जो हमारी बॉडी के अंदर या तो बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करके इन्फेक्ट करेगा, या वो आउट ऑफ द बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करेगा. बैक्टीरिया लिव इन अ वाइड रेंज ऑफ द कंडीशन, ये बहुत सारी रेंज में रह सकता है, सिम्बायोटिक रिलेशन में भी रहता है, पैरासिटिक रिलेशन में भी रहता है, और ये आपका आउट ऑफ द बॉडी भी टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है. मेरा लेक्चर बहुत बड़ा है, एक्चुअली वो एनिमल डिजीज का वेरी ब्रॉड, तो ये 5 मिनट में कवर कभी भी नहीं हो सकता है. सो सॉरी, तो मुझे एक बार ये 5 मिनट की बातें सुनने का, इसको मुझे एक बार